हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले आप कैसे हो आप लोग? तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। सुबह के बजे हैं 9 और मैं, जैसे कि मैंने बताया था, मैं गई हूँ तितोली। तितोली ठीक मेरे पीछे है सेब का पेड़। और मौसम की कहें तो मौसम बहुत ही खतरनाक हुआ है। यहाँ चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, तो लेकिन यहाँ अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों से मिलने जाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर में, कल शाम थी मैं ऊपर। तो चलते हैं, दिखाते हैं कौन है ना। और तोड़े आए पर चला ठीक से बे आओ यार, कल आल भी छोनी है दी क्या कह रही। जरा हर्षित कितने पड़ता है? 2। और तू? मैं 4 में। 4 में। तेरा नाम? कुमकुम। कुमकुम भाग्य, भाग्य कुमकुम है क्या? है नाटक आता है ना, और ये जैसे फल फूल होते हैं वैसे इनकी बच्चों की ड्रेस है ना। जैसा आर हरी हो उसे अलविदा नहीं हो। अच्छा, और यहाँ पे है इनकी अम्मा। तो दोस्तों, एक जगह से मैं आ गई हूँ नीचे से ऊपर को, और यहाँ जहाँ भी नज़र डालती हूँ आप देख सकते हो सारे आड़ू पूलम सेब यही पेड़ हैं, ऐसे फेंक रखे इन्होंने। ये है यहाँ के आड़ू के पेड़, छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, और लेकिन आड़ू तो ये है सेब का पेड़, सेब के दाने अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। तो जितने मेरे पीछे पीछे ये पूरा सेब का बगीचा है इनका, पूरा बगीचा सेब का। यहीं पे इन्होंने गोभी का बिनौड़ा दिया है। तो पूछी मशरूम पूछ रही है ना भाई, और वहाँ पे तुम लोग भी धन्यवाद। तो ये है खुमानी का पेड़, मेरी दीदानी तोड़ी है खुमानी, और ये तोड़ दिए इसने, पूरा कैरेट भर दिया है। पेड़ देख सकते हो नीचे पूरे तोड़ दिए हैं, ऊपर यानी के वहाँ आई थी जिठानी ने यहाँ गोभी का बिनौड़ा उपाड़ के रखा था, तो इन्होंने लगा दिया है अभी। तो ये गोभी लगाई है इन्होंने अभी, ऊपर से इनके आड़ू के पेड़, और सारी गोभी लगा दी है इन्होंने भी है। और आड़ू देख सकते हो भाई साहब, तो ये दे रहे हैं पानी। एक जी ब्लॉग आल तमा तितोई का तितोई। और ये है पुलम का पेड़, तत्काल गुब लगे पाण दी भी, और बिन देख सकता है तो ठुलर हम तो जूते का गोड़ तभी तो हुए आती हो। तो दोस्तों, पहुंच गई थी मैं यहाँ टाइम से, चाय पानी मैंने पी ली है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा इनका बगीचा देख आती हूँ, बगीचे में क्या क्या हो रहा है इनका। तो मेरे पीछे हर जगह पे जहाँ तहाँ कैमरा को मैं मोबाइल को घुमाती हूँ, सारे आड़ू ही आड़ू हैं, बरामदे से तोड़ने वाले हो रहे हैं खेतों में, पूरे इनका आड़ू का बगीचा है। और साथ ही पुलम सेब भी है, सेब बाद में आता है शायद। चलते हैं दिखाते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कुत्ता बांधा है, उसके लिए टीन सेट का बनाया है, टीन रखा है इन्होंने ऊपर से, और नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर में कुत्ता बांधा हुआ है इन्होंने, ताकि इधर से लंगूर वंगूर ना आए करके। ये है पहरा देते हुए, नाम क्या है इसका पता नहीं, देख रहा है बेचारा, भौंक भी नहीं रहा है। हुसन पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ मौसम जा उनका।
तो यहाँ पे है तितोली वालों का गोदाम आरुपुलम खुमानी। ये हैं घोड़े। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई हूँ मैं रोड में। रोड में गाड़ी का कोई साधन नहीं है। गाड़ी वाले को बुलाया था, गाड़ी वाला आया नहीं है। तो फिलहाल सुनसान जंगल में फंसी हूँ। यहीं पे है इनका टेंट, गोदाम बनाया है तितोली वालों ने। तो आगे मिलते हैं घर ही जाके, बाकी क्या होता है दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ धनियाकोट। बड़ी मुश्किल से, इतनी थकान वकान से। और बच्चन पार्टी देख सकते हो, ये जितने भी हैं सारे बच्चे आए हैं अभी। तो इनको खिलाती हूँ मैं पुलु और आड़ू लाई हूँ तितोली से। तो यार दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।